आखिर ये इतना मासूम सा बच्चा इतना उदास क्यों है? मैंने इसका ऐसा क्या बिगाड़ दिया और मुझे इसे अपने शहर से 500 किलोमीटर दूर क्यों छोड़ के आना पड़ता है? तो चलिए सब बताता हूँ। बात है 1 अप्रैल की, सुबह के 6 बजे मैं उसे घूमने की बोलकर मार्केट लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसे बुरहानपुर छोड़कर आना था। लेकिन वो बस में उसकी मम्मी को बेटी देख सब समझ जाता है कि मैं उसे कहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ, और पूरा चेहरा उतार लेता है और बाइक से भी नहीं उतरता है, क्योंकि उसे उसके मामा के यहीं पर अच्छा लगता है, वो जाना नहीं चाहता है। लेकिन मैं जैसे तैसे करके उसको बस में बिठा लेता हूँ। 10 बजे हमारी भोपाल से ट्रेन है, इसलिए इतनी जल्दी जाना पड़ता है। बस में बैठकर हम निकल जाते हैं, लेकिन उसे अभी भी बहुत बुरा लग रहा था। हम आधे से ज्यादा रास्ते में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? इसे झूठ बोलकर लाया हूँ, जिसका इसे बहुत बुरा लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी वजह से इतना दुखी हो जाएगा। फिर मैं उसे मोबाइल दे देता हूँ तो वो तो मेरी वीडियो देखने लग जाता है और वीडियो को लाइक भी कर देता है। तो आप भी इस बच्चे के लिए एक छोटा सा लाइक कर सकते हो। लेकिन अभी भी बात शांत नहीं हुई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आगे और इतनी दिक्कत होने वाली है। लेकिन वो अब अगली वीडियो में देखेंगे। बोलो जय श्री सीता।